हम लोगों का टीसी का टावर में एम्बेसडर। अरे जान भी दे दूंगा तेरे लिए ले लूंगा। और ये है छोटू महाराज, वो अपना काम में लगा हुआ है, मतलब ज्वेलरी का काम कर रहा है। क्या चीज है ये? सोना है। सोना है। ये क्या बनेगा? अंगूठी बनेगा। अंगूठी बनेगा। इसमें कितना ग्राम सोना है? एक ग्राम। एक ग्राम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो राधे। और पीछे देखिए छोटू महाराज पूरा काम में बिजी है। ये कौन सा मशीन है? ये तार पात करने का। क्या क्या क्या? तार पात करने का मशीन है। आप लोग जो सोना पहनते हैं ना, उसको आकार देने के लिए ऐसा प्रोसेस है, ऐसा मशीन है। और ये क्या है भाई? बत्ती है, गैस का। ये गैस का बत्ती है। बत्ती है। इसे क्या करेगा देखता हूँ। देखिए बनाने का प्रोसेस देखिए। अभी यहाँ पर वेट कर रहा है। कितना हुआ है वेट? 50 मिनट। हम लोग जो भी सोना का सामान पहनते हैं उसका पीछे में बहुत मेहनत है, और जो मेहनत ये भाई कर रहा है अभी देख ही रहा है। और बाहर बारिश दे रहा है, वेदर बहुत ख़राब है, इसीलिए भाई का दुकान में थोड़ा बैठा था। तो भाई क्या कर रहा था आप लोगों को दिखा दिया। तो भाई ऐसे ही सोना का काम करते रहते हैं। फिलहाल भाई को भाई का काम करने देता हूँ। मैं फिलहाल आप लोगों को थोड़ा तिनसुकिया टाउन घुमाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और छोटू महाराज का दुकान तिनसुकिया शिवपुरिया तिनाली में है। अगर आप लोगों को ज्वेलरी का कुछ भी सामान बनाना है तो आप छोटू महाराज का दुकान में आ सकते हैं। फिर मिलेंगे। और बाहर देखिए पूरा अंधेरा होने वाला है। अभी हो रहा है 5 PM। बिस्किट खिलाना चाहिए। अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 10 रुपया किसी को देना चाहिए। भाई अंधे कितने रुपये कमाई किया? चेहरा कम से कम दिखा दीजिए। अभिजीत ब्लॉग, ये भी मतलब यूट्यूबर है, छोटा मोटा, मुझसे छोटा है लेकिन आर्टिस्ट है। अरे मजाक कर रहा है। तो भाई भी आ गया है और आप लोगों को दोनों मिलकर तिनसुकिया का थोड़ा झलक दिखाएंगे जितना भी हो सकते हैं। और देखिए वो इधर पूरा मेघला मेघला हो रहा है कुछ। देखो भाई लाहे से चलाना, ठीक है? हमको लेकिन बहुत डर लगता है ज़्यादा पिकअप में लेने से, ठीक है? और भाई तुमने तो डॉग को बिस्किट खिलाया, मुझे चाय पिलाया कि नहीं? चलो पिलाएगा, ठीक है? थोड़ा मस्का मार रहा हूँ भाई को, चाय भी पिलाएगा तब। और मेरा वीडियो में आप जितना भी देखा है मुझे अकेला ही देखा है, मतलब वीडियो बनाने का टाइम मेरा किसी को नहीं मिलता है। शाम का टाइम में ना अलग ही वेव होता है, क्योंकि शाम का टाइम का नज़ारा भी कुछ अलग होता है। और अभी हो रहा है गर्मी का सीज़न, गर्मी का सीज़न में शाम का टाइम ही मज़ा आता है। और जैसे कि सुबह से अभी बारिश दे रहा है, लेकिन अभी थोड़ा बारिश कम रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ टाउन घुमाने के लिए। आप लोगों का साथ मैं भी घूम लूँगा। मैं पहले टेल्क ले लेता हूँ। नहीं अभी 100 रुपये भर लेता हूँ, ठीक है? पैसा मतलब नहीं है। पेट्रोल डालना सब कुछ हो चुका है। ओ तेरी जीत मेरी जीत, मेरी हार तेरी हार, ऐसा अपना प्यार, जान भी दे दूंगा तेरे लिए ले लूंगा, अरे जान भी दे दूंगा तेरे लिए ले लूंगा, सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फिलहाल ऐसा एक तो गाना गा दिया है, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? और यहाँ ब्रिज का काम चल रहा है अभी तक। मतलब भाई का सेंट बना मार रहा है। परफ्यूम है क्या? आज नहा है कि नहीं बोलो? एकदम हनुमान जी का नाम लेकर बोलो। हनुमान जी के तो डेली नहाते हैं।
तो भाई नहा ऐसा एक दिन नहीं गया कि हम नहीं नहाए। और भाई मतलब हनुमान जी का कसम खाया, मतलब भाई नहा है और मैं भी नहाया, लेकिन हाँ मैं रोज नहाता हूँ। भाई मतलब चाय बहुत पीता है, ठीक है। तो सुबह से अभी तक मतलब कितना कप हो गया आपका? चार पाँच कप। और मैं इससे तो ज़्यादा मैं ही पीता हूँ, मेरा अभी तक कम से कम 10 कप चाय हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग टाउन पहुँच चुका है। भाई हेलमेट पहन लेना हो, ठीक है। हाँ हेलमेट पहनो। हाँ पहन लिया हेलमेट, और सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना ही चाहिए। ये रहा मोबाइल का किंग, मतलब यहाँ पर आप लोगों को हर तरह की मोबाइल मिल जाएगा, मतलब ये है TDM मार्केट। और मेरा जो मोबाइल है ना, ये यहाँ से ही खरीदा था, ऐसे मोबाइल घुमा रहा है। और भाई साहब आप तो पूरा हंस रहा है, क्या बात है, आज तो कुछ हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ है। मेरा हिसाब से भाई को ना आज बहुत पैसा मिला है, मेरा हिसाब से ना भाई। और ये रहा धर्मशाला, और ये हो गया दिल्ली बाजार। दिल्ली और पुराने दिल्ली, ठीक है। और हम लोग के आसाम में तिनसुकिया में भी दो स्टेशन है, नई तिनसुकिया और पुराने तिनसुकिया। और आप लोगों को दिखा देता हूँ पुराने तिनसुकिया स्टेशन, पुराने तिनसुकिया स्टेशन। और तिनसुकिया टाउन में ना बम्पर भीड़ लगता है ना भाई, बहुत भीड़ लगता है, बहुत भीड़। क्या बोलेंगे, स्कूटियाँ ने से ना पार्किंग का जगह नहीं मिलता भाई। और ये रहा रेल गेट, इधर से नौ पुखड़ी जाते हैं। और ये रहा साइडिंग, ये रहा साइडिंग। तो इधर से जा रहा है हम लोग नौ पुखड़ी। यहाँ पर मतलब वन वे है, आने का जाने का टाइम में जा सकते हैं, लेकिन और आप लोग अगर बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, बाइक अगर चला रहा है ना दोनों हेलमेट पहनिए, अगर गाड़ी चला रहा है तो सीट बेल्ट लगाइए। देख रहे भाई? अरे भाई आगे देखो, आगे देखो, चलो तुम। किसी को ठोक दिया ना, हो गया हम लोग का ठोक। देखा तो एम्बेसडर, देखिए हम लोगों का टीसी कटा और एम्बेसडर पीछे कर लो का मार्केट और सब्जी का मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगा। घूमते घूमते आ गए हैं नौ पुखड़ी पार्क में, लेकिन एंट्री नहीं हो सकता है क्योंकि बंद है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है इनके अंडर में, तो इसीलिए नौ पुखड़ी पार्क घूमना नहीं होगा। हम लोग का आना ना बेकार हो गया। बेकार लोगों को मैं आज लेके जाऊंगा और एक प्लेस में, और बहुत सुंदर सा प्लेस है, तो चलिए वहाँ पर जाते हैं। पार्क बंद है, क्या करोगे अभी चलो जाता है। तो अभी चलेंगे हम लोग और एक नया जगह में। और अभी हम लोग घूमते घूमते तिनसुकिया का ऐसा जगह में आए हैं जहाँ आप लोगों को आकर सुकून मिलेगा। ये हो गया देवी पुखुरी तिनसुकिया का, इस तरफ भी एक मंदिर है। यहाँ पर आप लोगों को हर तरफ मंदिर देखने को मिलेगा, कितना सुंदर मंदिर दिखे। और इस तरफ भी एक मंदिर है। तो यहाँ पर एक बड़ा सा तालाब दिखा देता हूँ, देखिए कितना बड़ा सा तालाब है। और यहाँ पर ही ना दुर्गा पूजा, छठ पूजा यहाँ पर होता है। तरफ देखिए श्री, यहाँ पर आके बैठ सकता है, और गर्मी का टाइम में यहाँ पर सुकून से बैठ सकता है, मतलब ठंडी ठंडी हवा लेकर, है ना भाई? भाई नाम आप लोगों का? भाई मेरा नाम अंशु गोस्वामी। आपका? यहाँ पर घर यहाँ पर? यहाँ पर आने से मतलब अलग ही लेवल का सुकून मिलता है ना। अगर आप लोग तिनसुकिया से यहाँ पर आ सकते हैं, शाम का टाइम में घूम सकते हैं, है कि नहीं भाई? बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारा मंदिर भी है, मंदिर, मंदिर आप लोग दर्शन कर सकते हैं। राधे 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 भाई। हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। यहाँ पर आराम से मैं बैठ गया हूँ, पीछे में देख रहे हैं पीपल का पेड़। और देखिए कितना बड़ा एरिया है। और जी नमस्कार, राधे राधे। आप यहीं पे रहते? देवी पुखरी पुराना मंदिर है, ब्रिटिश का समय से। और इस तरफ नंदी महाराज बैठा हुआ है, आप लोग देख ही रहे हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण, हर तरफ आप लोगों को राधा कृष्ण दिखाई देगा। और इधर देखिए पूरा डॉग आराम से सो रहा है। और फिलहाल देवी पुखरी का ब्लॉग यही था, मतलब मंदिर से पूरा भरा हुआ है। अभी देवी पुखरी को बाय बाय बोलता हूँ, बाय बाय, फिर आएंगे यहाँ पर। चलो और चाय का सर क्या होगा? समोसा, ठीक है? समोसा नहीं, समोसा। समोसा, अरे इतना भीड़ क्यों? पहले मैं चमसा बोलता रहा। और आगे सांदे, और सांदे के लिए रास्ता में थोड़ा भीड़ है, मतलब सांदे का बाजार चल रहा है ना, सांदे का मार्केट चल रहा है, ये सांदे बाजार है। कितना छोटा सा आलू है, कितने का किलो?
25 टका इतना छोटा सा आलू देखा है थोड़ा सा तिनसुकिया शहर में होटल ढूंढ रहा है। चलिए मिल गया होटल और होटल ढूंढे ढूंढे मिल गया फाइनली होटल। हम लोग का बड़ा बड़ा समोसा आ गया, इतना बड़ा बड़ा देखिए। चाय चाय ये तो सब लोग का फेवरेट है ना, हम लोग इनमें से समोसा। चाय और सिंगड़ा खाना हो गया है तो अभी निकलते हैं घर की तरफ। चाय सिंगड़ा सब कुछ खाना हो गया। चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंडिंग करता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना पड़ेगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद जय भारत माता की जय, और साथ ही साथ राधे राधे, राधे।